Assalamualaikum, my dear students. आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मस्क्यूलर टिश्यू. जो ये मस्क्यूलर टिश्यू है, मस्क्यूलर टिश्यू बना हुआ है थिन एलोंगेटेड कंट्रैक्टाइल मसल फाइबर्स का. तो पहले मैंने बताया ये किन का बना हुआ होता है. एक तो जो पतले वाले होते हैं और लंबे वाले कंट्रैक्टाइल मसल फाइबर्स का, इन्हीं का बना हुआ होता है ये मस्क्यूलर टिश्यू. तो मस्क्यूलर टिश्यू को हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं. तो इसको हम कह सकते हैं कंट्रैक्टाइल टिश्यू भी. क्या कह सकते हैं? कंट्रैक्टाइल टिश्यू भी. तो कंट्रैक्टाइल टिश्यू इनको किस बिना पे कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक खसूसियत होती है, इसमें एक सलाहियत होती है कंट्रैक्ट होने की, रिलैक्स होने की. कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कंट्रैक्टाइल टिश्यू. या सिंपली इसको एक सलाहियत होती है, इसको एक हुनर होता है, इसको एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? कंट्रैक्टाइल टिश्यू. तो इसमें क्या होता है? कंट्रैक्ट इसलिए ये हो जाता है क्योंकि इसमें मौजूद होता है एक प्रोटीन जिसका नाम है एक्टिन और मायोसिन. क्या क्या, कौन कौन से प्रोटीन इसमें मौजूद होता है? एक्टिन और मायोसिन. एक्टिन और मायोसिन की वजह से क्या होता है? ये कंट्रैक्ट भी होता है तो और रिलैक्स भी. तो जो हमारे मसल्स एक्चुअली होते हैं, मसल फाइबर्स, वो कंट्रैक्ट होते हैं. तो मसल फाइबर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये इनर्वेटेड होते हैं. दैट मीन्स देयर इज समथिंग इनसाइड, प्रेजेंट इनसाइड दीज मसल फाइबर्स. तो वहां पे मौजूद होते हैं क्या? नर्व्स वहां पे मौजूद होते हैं. दीज आर इनर्वेटेड विद व्हाट? दीज आर इनर्वेटेड बाय नर्व्स. ओके, विद नर्व्स. तो नर्व्स इनर्वेटेड होती है मसल फाइबर्स के साथ. ये जुड़े हुए होते हैं, इनर्वेटेड होते हैं नर्व्स के द्वारा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स के बाद ये वेस्क्यूलर भी होते हैं. दैट मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में मौजूद होती है. और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट जो हमारी बॉडी का टोटल वेट है, टोटल जो हमारा बॉडी वेट है, जो हमारा टोटल बॉडी वेट है उसमें जो 40% होता है, क्या होता है? 40%. 40% जो होता है वो बना हुआ होता है किससे? इसी मसल से, इसी इन्हीं मसल फाइबर से वो बना हुआ होता है. और 60% जो होता है वो बना हुआ होता है किसकी वजह से? स्केलेटल सिस्टम की वजह से, यानी बोन्स की वजह से. और वो बाकी जो बचता है वो बना हुआ है किसकी वजह से? ब्लड जो होता है वो मेजर पोर्शन हमारी बॉडी में होता है. तीन कंपोनेंट्स मेजर होते हैं हमारी बॉडी में. एक तो मसल फाइबर्स होते हैं, स्केलेटल सिस्टम होते हैं, दैट मीन्स बोन्स होते हैं, और ब्लड होता है. तो अगर हम मसल फाइबर को देखेंगे तो मसल फाइबर्स जो होते हैं ये इसकी जो सेल्स होती हैं ये इलांगेटेड होती हैं. इलांगेटेड पहले ही मैंने बोला. और ये थिन होती हैं. क्या होती हैं? पतली होती हैं. ठीक है, थीके? तो इसके बाद अब अगर हम इसके एक कवरिंग होती है इस सेल की या इस मसल फाइबर की, तो उस वाले कवरिंग को हम बोलते हैं सार्कोलीमा. क्या बोलते हैं इसको? सार्कोलीमा. तो सार्कोलीमा को अगर हम देखेंगे, सार्को मीन्स कनेक्टिव एंड लीमा मीन्स लेयर. सो इट इज कनेक्टेड विद द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव होती है ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ, मिल जाती है, जुड़ जाती है कनेक्टिव टिश्यू के साथ. तो जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म होता है, हर एक सेल में साइटोप्लाज्म मौजूद होता है. तो यहां पे जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म. क्या बोलते हैं उसको? सार्कोप्लाज्म. तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये तीन किस्मों का होता है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं. एक तो होता है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक टिश्यू. कौन कौन सा? स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक टिश्यू. तो अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे. तो जो स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू होता है, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू इज व्हाट? इट इज विच काइंड? इट इज वॉलेंट्री. व्हाई इट इज वॉलेंट्री? ये वॉलेंट्री इसलिए होता है बिकॉज ये हमारे कंट्रोल के अंडर होता है. इट मीन्स व्हेन एवर वी वॉन्ट टू होल्ड ए थिंग वी कैन होल्ड इट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स, विद द हेल्प ऑफ द हैंड वी कैन होल्ड ए थिंग. By which virtue? By the virtue of the voluntary control. When we will send the signal towards from the brain towards the hands that you have to hold anything, you have to catch anything,
यू हैव टू फील एनीथिंग. तो दिस ऑल कम्स बाय विद विच वर्चू, बिकॉज ऑफ द वर्चू ऑफ वॉलेंट्री कंट्रोल. सिमिलरली द स्ट्रेटेड मसल्स हियर आर, मस्क्यूलर टिश्यू हियर इज वॉलेंट्री एंड इट इज अटैच्ड विद बोन्स. इट इज अटैच्ड विद बोन्स, तो ये हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ होता है. और ये दिखाता है सिट्रेशंस. सिट्रेशंस के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना है. जो ये सिट्रेशंस होती हैं, दीज आर एक्चुअली व्हाट, दीज आर स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स मीन्स जैसे आप जेब्रा में देखते हो ना, वो स्ट्रिप्स, डार्क और लाइट ब्रांड के स्ट्रिप्स. ठीक है, इसी तरह इस स्ट्रेटेड मसल टिश्यू में भी क्या होते हैं, स्ट्रिप्स मौजूद होते हैं. ठीक है, या सिट्रेशंस भी उनको कहा जाता है. तो इस तरह से क्या बनाती है ये स्केलेटल मसल. इसको स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं या स्केलेटल मसल भी इसको कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द वॉलेंट्री कंट्रोल. ओके, बिकॉज ऑफ द सिट्रेशंस. तो इसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इस स्केलेटल स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू को या स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू को देखेंगे, तो यहां पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है. जो ये स्ट्रक्चर है इसमें आप देख रहे हो, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, the outermost layer of these muscle fibers is called what? It is called sarcolemma. So this layer is what? This layer is here thick. This layer is thick and is membrane sheath. And this layer is composed of thick membranous sheath. And another thing is the cytoplasm. So cytoplasm ko maine pehle hi bola, isko hum sarcoplasma kehte hain. And another thing is, I have discussed it already, they are comprised of, there is a presence of striations. So striations, you can see here, the dark lines present here is what? These are the striations. Actually, these are of two types. Striations actually, do kismu ki hote hain. Ek to dark hota hai aur light hote hain. That means dark and light bands are present. That means dark and light bands are present in these striated muscular tissues. Okay? तो इसके बाद जो न्यूक्लियस होता है, द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ व्हाट, इन द मसल फाइबर्स और द मस्कुलर फाइबर्स, इट इज कंपोज ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड. इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, दैट मीन्स मेनी न्यूक्लिया आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रेटेड मस्कुलर फाइबर्स. ओके, एंड दीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे आर पेरिफेरली प्लेस्ड. वो कहां पे होते हैं, वो पेरिफ्री पे मौजूद होते हैं, वो किनारे किनारे मौजूद होते हैं. ठीक है, आई हैव, यू कैन सी हियर, आई हैव ड्रॉ हियर दीज न्यूक्लियसेस ऑफ व्हाट, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू और मस्कुलर फाइबर्स. एंड नाउ आई विल लाइक टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रेशंस, अबाउट द ब्रांड्स विच आर प्रेजेंट इन मस्कुलर फाइबर्स. तो इनमें जो ब्रांड्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में. एक्चुअली आप यहां पे देखते हो, जब हम एक स्ट्रेशन को बाहर निकालेंगे या एक इस को बाहर निकालेंगे, इस मस्कुलर फाइबर को या मसल फाइबर को, आप यहां पे देखते हो कि क्या मौजूद होता है. यहां पे आप देखते हो, ये दिस इज डार्क ब्रांड. तो इसके साथ साथ यहां पे मौजूद होता है कौन सा बैंड, लाइट बैंड. सो देयर इज अल्टरनेट bands of light and dark bands are present. There are alternate light and bands present. That means light or dark bands जो होते हैं वो मौजूद होते हैं इसमें, मगर alternately. ठीक है, that means there is no continuous dark bands and then light bands. There is actually alternate, एक के बाद दूसरा होता है. That means पहले अगर light band होगा, उसके बाद dark band मौजूद होगा. ठीक है, उसके बाद यहां पे आप देखते हो कि इन लाइट और डार्क बैंड्स के दरमियान क्या होता है, इनमें ये लाइन आप देखते हो, डॉटेड लाइन मैंने यहां पे बनाई है, तो इसको जेड लाइन कहते हैं. क्या कहते हैं, जेड लाइन. तो जेड लाइन जो होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइंस जो होती है, इज नोन एज सार्कोमियर. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डिस्टेंस होती है दो जेड लाइंस के दरमियान, उसको हम सार्कोमियर कहते हैं. क्या कहते हैं, सार्कोमियर. So don't confuse with the sarcolemma. Sarcolemma is the outer layer. It is the outer layer of the muscle fiber. But sarcomere is what? Sarcolemma is the outer layer of what? This muscle fiber. But sarcomere is what? It is the
डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन्स, दैट मीन्स इट इज द यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, इट इज द यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन. एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट, आपको यहां पे मैं भूल गया बोलना कि लाइट बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई बैंड. वॉट इज कॉल्ड इट एज आई बैंड. आई बैंड दैट मीन्स आइसोट्रॉपिक बैंड, इसको हम आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं. लाइट बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड. दैट मीन्स लाइट कैन पास थ्रू इट. एनी बैंड विच कैन ऑक्यूपाई और विच हैज द एबिलिटी टू पास द लाइट वाया थ्रू इट इज नोन एज लाइट बैंड और आई बैंड. एंड दिस डार्क बैंड इज ऑल्सो नोन एज ए बैंड और एन आइसोट्रॉपिक बैंड. इसको हम बोलते हैं ए बैंड और एन आइसोट्रॉपिक बैंड, बिकॉज हियर द लाइट इज नॉट पासड थ्रू दीज डार्क बैंड. तो दिस इज ऑल अबाउट टूडे इज माई लेक्चर which in which I have discussed about you the what is muscular tissue, and only I have defined it and discussed the striated muscular tissue. Rested two types of the tissues I will discuss in the next lecture. Thanks for listening to today's my lecture, and I hope you would have understood this lecture. Thank you. Assalamu alaikum.